ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं बढ़ते झारखंड की। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर आज झारखंड सरकार एक साथ सूबे के 25,000 युवाओं को रोजगार देने जा रही है। ये कदम बदलते झारखंड के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। इसके साथ ही पूरे राज्य में प्लेसमेंट ड्राइव चलाकर राज्य सरकार निजी क्षेत्र में युवक युवतियों को रोजगार देने में जुटी है। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से सौंपेंगे। झारखंड की रघुवर सरकार युवाओं के रोजगार पर खास ध्यान दे रही है। यही वजह है कि झारखंड की अगली कड़ी में रांची के खेल गांव में स्किल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक साथ सूबे के 25,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सरकार का मकसद झारखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कार्यक्रम में देश विदेश से आए प्रतिनिधि शामिल होंगे और झारखंड को स्किल हब बनाने पर सेमिनार भी किया जाएगा। साथ ही उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और जॉब फ्यूचर पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 12 जनवरी को होगा। बड़ी खुशी की बात है कि जो कभी पहले ना हुआ हो, 25,000 युवक युवतियों को प्लेसमेंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कुछ राज्य से बाहर हैं, कुछ राज्य से अंदर हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसके बड़े सुखद परिणाम राज्य में देखने को मिलेंगे। जो विभिन्न देश और विदेश से लोग आए हुए हैं उनके विचारों को सुनेंगे और 3 सेक्टर पे हम लोग सेक्टर सेमिनार्स कर रहे हैं ताकि झारखंड को किस तरीके से स्किल हब के रूप में विकसित किया जाए, इस पे विचार हो सके। झारखंड सरकार 1 नवंबर से ही सूबे के सभी जिलों में प्लेसमेंट ड्राइव चला रही है। इसमें ऑटो, टेक्सटाइल, बैंकिंग और रिटेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार मिल रहा है। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी ने किया है। प्लेसमेंट ड्राइव में 80 से ज्यादा कंपनियां बदलते और बढ़ते झारखंड अभियान को गति दे रहे हैं। आयोजन में शामिल होने वाले एम्प्लॉयर मानते हैं कि रघुवर सरकार का ये कदम देश में एक मिसाल है। झारखंड सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने खुद आगे बढ़कर ये पहल किया है और 25,000 जॉब का कमिटमेंट हमने किया और नवंबर से लेकर के अभी तक हम ऑलरेडी 25,000 जॉब को एक्सीड कर चुके हैं। काउंसिल की तरफ से 100 स्टूडेंट और नए यंग लड़कों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। रोजगार पाने वाले युवा भी सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। खेल गांव परिसर रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है, जो सूबे के युवाओं के अरमानों को पंख दे रहा है। हम जिस नज़रिए से देखते हैं काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जितने लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं तो उन लोगों को काफ़ी मतलब अच्छा एक सहारा मिल रहा है। तो सरकार का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने लोगों को नौकरी मिल रही है तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और झारखंड में रोजगार बढ़ेगा। झारखंड में हो रहे इस बड़े बदलाव की कमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद थाम रखी है और सरकार युवक युवतियों को तकनीकी तौर पर दक्ष बनाकर बेहतर झारखंड, विकसित झारखंड बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बुलेटिन में बात आपके काम की खबर की। बिहार में आज से इंटर फॉर्म में सुधार का मौका है। बीएसईबी ने 14 जनवरी तक सुधार करने की छूट दी है। फॉर्म में गलतियों को ऑनलाइन भी आप ठीक कर सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी आज की खबर है आपके लिए, खास करके वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो कि एग्जाम देने वाले हैं इंटर का और फॉर्म भरने में उनसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को आप 14 जनवरी तक सुधार सकते हैं। यहां तक कि फॉर्म में ऑनलाइन गलती भी आप सुधार सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।